फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों कहानी को लेकर विवादों में है। कोई इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई इसे धर्म से जोड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस फिल्म को जनता से खूब प्यार मिल रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने इसे ट्रू स्टोरी आधारित फिल्म बताया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल रिसर्च करने के बाद ये फिल्म बनाई गई है। द केरला स्टोरी फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह का कहना है कि एक तरफ जनता से खूब सारा प्यार मिल रहा है, वही उन्हें कहीं भी जाना होता है तो सिक्योरिटी लेकर जाना पड़ता है। देश के बड़े बड़े सियासी दिग्गज विरोध कर रहे हैं तो कुछ सियासी दिग्गजों ने इसका समर्थन भी किया है। आपको बता दें कि द केरला स्टोरी उन 32,000 लड़कियों की कहानी है जिन्हें धर्मांतरण कर किसी आतंकी संगठन से जोड़ दिया जाता है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड पर 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म के मुख्य किरदार में अदा शर्मा है, उनके अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस फिल्म के किरदार को दर्जन भर से अधिक कलाकारों ने फिल्म की कहानी सुनने के बाद मना कर दिया था, लेकिन फिल्म उन्हें बनानी थी, इसके लिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।